बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले 99.99% बच्चे दिवाली की छुट्टियों में पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका मन ही नहीं करता है। और अगर आपने इन छुट्टियों में पढ़ाई कर ली, अगर आपने ये इमेजिन कर लिया कि अगले मंडे को आपका एग्जाम है बोर्ड वाला और मुझे इन 7 दिन में पूरा सिलेबस जितना भी अब तक हुआ है रिवाइज कर लिया, तो आप 99.99 बच्चों को पीछे कर दोगे। फिर सोचिए, आप केवल 0.1% बच्चों में रह जाओगे तो फिर कौन रोक लेगा आपको मेरिट में पोजीशन लाने से। बस करना इतना सा है कि अपने मन पे थोड़ा सा काबू करना है, डिस्ट्रेक्शंस को दूर करना है और ये इमेजिन कर लेना है, दिमाग में ये मान लेना है कि मंडे को एग्जाम देना है, क्योंकि अभी भी 7 दिन बचे हैं छुट्टियों के और ये गोल्डन टाइम आपको बाद में नहीं मिलने वाला। ये एक महीना है आपके पास दिसंबर का, चैन तो आप समझिए ही मत, उसको तो काउंट ही मत करिए, क्योंकि उसमें तो आपको प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, ये सारी चीजें स्कूल के होने लगेंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो केवल कितना टाइम है आपके पास? आपके पास टाइम है 1 महीने का। और अगर ये 7 दिन की छुट्टियां अब फिर कभी नहीं मिलने वाली, दिवाली हो चुकी है, आप फ्री हैं अब। और देखिए, दिवाली इसी साल हर साल आनी है, 12वीं इसी साल है, वो दिवाली हो भी चुकी है, आपने सेलिब्रेट भी कर ली। तो अब बस मेरी बात मानिए और जी जान लगा के लग जाइए। सबसे पहले तो अपना माइंड मेकअप करिए, दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि नेक्स्ट मंडे आपका बोर्ड एग्जाम है और आपको सारे सिलेबस की तैयारी करनी है। तो देखिए किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसको पूरा पढ़ा लिए, जी जान लगा के देखिए कितना बढ़िया मौका है, कितना बढ़िया मौका है। सुबह 6 बजे बैठ जाइए, 12 बजे तक पढ़ते रहिए, फिर अगर कोई काम है घर का तो वो कर लीजिए, शाम को 4 बजे से 10 बजे तक पढ़ लीजिए, रात को लेट नाइट 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते रहिए, क्योंकि सुबह जल्दी जगने की जरूरत नहीं है। ये छुट्टियां फिर नहीं मिलेंगी। तो अगर आपका सपना भी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लाना है, तो इन दिनों का यूज कर लीजिए, इस गुरु मंत्र को समझ लीजिए और इन दिनों का यूज कर लीजिए। और अगर आपने इन दिनों का यूज कर लिया तो फिर आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये बात ही पता नहीं है कि दिवाली की छुट्टियां कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए। आप खुद सोचिए, ऐसी छुट्टियां आपको आगे मिलने वाली हैं क्या? नहीं मिलने वाली। क्या इतना टाइम फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्यों ना इस दिवाली पर कुछ अलग कर जाएं, इस दिवाली का गिफ्ट अपने पेरेंट्स को मेरिट में पोजीशन लाके दें। भाई कोई ना कोई तो गिफ्ट देना चाहते हो ना पेरेंट्स को, कैसे दो? रिजल्ट से दो यार, धमाकेदार रिजल्ट से। इन 7 दिन इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए ना तो ढोल नगाड़े बज जाएं, आपके गले में मालाएं, इतनी मालाएं पड़े कि आपका गला देखना बंद हो जाए, आपके घर वालों के चेहरे पे जो खुशी, ऐसी खुशी हो जो आपने पहले कभी ना देखी हो। कितना सम्मान मिलेगा, कितनी इज्जत मिलती है जब आप अखबार में आपका नाम आता है, आप टॉप 10 में से होते हो, हर कोई आपको रिस्पेक्ट करता है। और ये आगे के लिए भी आपको बूस्ट करता है, आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको बूस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं मेरिट में पोजीशन ला सकता हूं तो मैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। तो ये जो फ्यूल जो आपको मिलेगा या मिला है इन 7 दिनों के रूप में, अगर इस फ्यूल का सही इस्तेमाल आपने अपनी गाड़ी को चलाने के लिए कर लिया, तो आप अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, और है वो है बोर्ड एग्जाम में मेरिट पोजीशन। और अगर आप मेरिट में पोजीशन लेके आए तो आप IIT, नीट, UPSC कोई ना कोई बहुत ही बेहतरीन एग्जाम क्रैक करोगे, तो आपकी गाड़ी सीधी पहुंचेगी कहां पर? आपकी मंजिल पर। जो आज आपका सपना है वो साकार हो जाएगा, वो सच हो जाएगा, जो एक कल्पना मात्र है मेरिट में पोजीशन लाना, IIT क्रैक करना, UPSC क्रैक करना, ऑफिसर बनना, जो एक मात्र सपना है, एक कल्पना है, वो साकार हो जाएगी। बस करना क्या है, ये 7 दिन जो हैं
इनका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना। ये समझ लीजिए ये फ्यूल है, ये ईंधन है आपकी गाड़ी का, जो आपको कहां तक ले जा सकता है, आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। देखिए बहुतों को तो ये बात पता नहीं होती है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अगर आपने ज्यों के त्यों मेरे शब्दों को मान लिया, ज्यों के त्यों ये चीजें फॉलो कर ली और पूरा रिवीजन कर डाला, अच्छा आप बताइए, आप खुद बताइए ना, बताइए आप, और क्या काम है अब आपके पास? आप अपने गांव में हैं, अपने घर पर हैं, ऑब्वियस है सब घर पर ही होंगे, दिवाली पर सभी घर पर पहुंच जाते हैं, तो जो लोग बाहर रहते हैं उनको और दूसरे काम नहीं करने पड़ते, कई बच्चों को बाहर रह के खुद खाना बनाना पड़ता है, खुद कपड़े धोने पड़ते हैं, घर का काम झाड़ू पोछा करना पड़ता है, लेकिन अब तो कुछ नहीं करना ना, आप तो घर पर हैं, तो क्या है इस 7 दिन के लिए? केवल पढ़ाई। देखिए ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये बहुत ही बेहतरीन चांस है बाकियों को पीछे करने का और मेरिट में अपना एक स्थान सुनिश्चित करने का। मेरिट के लिए कॉपी में लिखना होता है, बस आपने लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला रिकॉर्ड आपका क्या रहा, पिछले आपने पढ़ाई करी नहीं करी क्या, बस आपको ये 7 दिन बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो बस आज से, अभी से, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, इसी पल से, इसी क्षण से, यही वो मौका है, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको फिनिशिंग लाइन दिखाई दे रही है। 6th फेब से जो आपके एग्जाम है वो फिनिशिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है। जोर लगा दो यार, पूरा दम लगा दो 7 दिन में, अपने आप से एक वादा करो, ये 7 दिन में का एक एक सेकंड का हिसाब मेरे पास होगा। लग जाइए बस, वो कहते ना कर्मवीर कर्म करने में लग जाते हैं, कर्म करने में लग जाइए बस, टूट पड़िए पढ़ाई पर, टूट पड़िए, उठाइए किताबें अभी के अभी उठाइए, देखिए किसमें कितना सिलेबस हुआ है और बस लग जाइए। इसके अलावा एक और वीडियो इसके पहले मैंने डाला था जिसमें मैंने रिवीजन के और पढ़ाई के टेक्निक्स बताए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक उसका लिंक दे रहा हूं, उसको देखिए और लग जाइए यार। इतने कमजोर हैं क्या हम कि 7 दिन इस्तेमाल नहीं कर सके? 7 दिन अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकते? 7 दिन अपने मन को मारकर सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या इतने कमजोर हैं? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इतना कमजोर है। एक बात याद रखना, जहां चाह है वहां राह है, तो चाह पैदा करिए, राह मैं बता ही रहा हूं, लग जाइए, देखिए कैसे जो रिजल्ट आएगा ना आपकी कल्पना से 1000 गुना बेहतर होगा, 1000 गुना बेहतर, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी उससे 1000 गुना बेहतर होगा। बस ये जो रिजल्ट है वो आपसे 2 से 3 महीने दूर है, लेकिन शुरुआत उसकी कब से होती है? आज से, अब से, इस पल से, यही वो पल है, यही वो मोमेंट है, यही वो क्षण है जो आपको मेरिट तक ले जा सकता है। तो अब इस 7 दिन का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है अगर आप मेरिट में पोजीशन चाहते हो। सोचो उस दिन को, कल्पना करो उस दिन की, कितना बेहतरीन दिन होगा वो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप अपना दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं, अखबार उठाते हैं, अखबार में आपका फोटो है, फर्स्ट पोजीशन है आपकी मेरिट में, पत्रकार लोग आपसे बात करने आए हैं, आपका गला मालाओं से लद गया है, आपसे पूछा जा रहा है आप किसको श्रेय देना चाहते हैं, आपके पिताजी बगल वालों को बुला बुला कर रिजल्ट बता रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, कैसा लगेगा? इमेजिन करिए, जस्ट आंखें मीच के, आंखें बंद करके कल्पना करिए, कितना अच्छा लगेगा। क्या आप नहीं बनना चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते उस रिजल्ट को? अगर आपका जवाब है कि अगर आप चाहते हैं, तो यही वो मोमेंट है, यही वो पल है जब आपको शुरू कर देना है। तो अब देर नहीं करनी, उठा लो जल्दी से किताबें,
और चल जल बहुत जल्दी जल्दी चेक करो कितना कितना सिलेबस हुआ है और उस पूरे सिलेबस को रिवाइज कर डालना, ठीक है। तो कौन कौन है जो मेरिट में पोजीशन चाहता है, कौन कौन है जल्दी से कमेंट में करके बताओ मुझे कि कौन कौन है जो मेरिट में पोजीशन चाहता है और वो फॉलो करने वाला है, कमेंट करिए बताइए मुझे। और अगर कोई पढ़ाई को लेकर कोई इश्यू है आपके साथ तो आप वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, हर कमेंट का जवाब दूंगा मैं, हर प्रॉब्लम का जवाब दूंगा मैं, हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तो बस एक कदम मैं आगे बढ़ चुका हूं इस वीडियो को लेके, एक कदम आपसे आगे बढ़ने की उम्मीद करता हूं। आ जाइए फिर देखिए मिलकर इतिहास रचते हैं यार।